हाय हेलो गाइस, आई एम महावीर और आप देख रहे हैं bollywoodcalendar.com। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन फिल्मों के गानों के बारे में। और जब बात आती है इंडियन फिल्मों के सॉन्ग्स के बारे में, तो अगर फिल्मों में गाने ना हो तो फिल्में बेरंगी नजर आती हैं। और लगातार ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड में म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर कॉपी करने का इल्जाम लगता रहता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में बात करेंगे जिसे हॉलीवुड ने कॉपी किया है। तो दोस्तों, हम आपको दे रहे हैं इन बेहतरीन सॉन्ग्स को सुनने के लिए JBL का डू इट मिनी हेडफोन्स। इस गिव अवे का रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे 25 दिसंबर को। ये हेडफोन्स आपका कैसे हो सकता है, इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अक्सर आपने बॉलीवुड को हॉलीवुड की नकल करते हुए देखा है, और वैसे भी देखा जाए तो बॉलीवुड पे कभी स्टार्स का लुक, कभी पोस्टर, कभी स्टोरीज कॉपी करने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में आपको जानकर थोड़ी सी खुशी होने वाली है कि बॉलीवुड का कद थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड को हॉलीवुड भी कॉपी करने लगा है। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही गानों के बारे में जब हॉलीवुड फिल्मों में बॉलीवुड के गाने चलते दिखे। बात करें अपने पहले गाने के बारे में, तो फिल्म ये जवानी है दीवानी का बदतमीज दिल, जो कि बहुत लोकप्रिय हुआ था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्मिग ने पूरे के पूरा ट्रैक कॉपी कर दिया था। क्या कहा, आपको यकीन नहीं हो रहा? तो आप ऐसा कीजिए, ये कामेरा गाना सुन लीजिए। बैंड बाजा बारात, दम दम मस्त है के गाने में रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा ने ऐसा जबरदस्त डांस किया कि काफी लोगों को पसंद आया था। सही बताऊं तो मुझे भी बेहद पसंद है। दम 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 मस्त है, कैसी ये जस्त है। और तो और, साइबेरियन पॉप सिंगर को यह गाना इतना पसंद आ गया कि उन्होंने अपने म्यूजिक एल्बम नोवा रिलीखीजा के मशहूर गाने की पूरी लिरिक्स को ही कॉपी कर लिया। बैठे बैठे मैं थोड़ा सा बोर हो गया था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म किस्मत के गाने माही माही में प्रियंका चोपड़ा ने अलग ही जलवा दिखाया था। प्रियंका चोपड़ा, आय हाय हाय। लेकिन यार एक बात समझ में नहीं आई, 10 साल छोटे निक से शादी कर ली यार, मैं क्या बुरा था? हालांकि ये गाना भी ओरिजिनल नहीं है, इस गाने को फिर भी बाद में हॉलीवुड ने कॉपी कर लिया। माखी, 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 माखी। हाँ, तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं फिल्म दिल से के गाने छैया छैया के बारे में। वैसे भी गाना बहुत लोकप्रिय हुआ था, और हो भी क्यों ना, क्योंकि म्यूजिक यार रहमान का था सर, जिसमें मलाइका अरोड़ा और SRK ने ट्रेन की छत पर डांस किया था। बात करें हॉलीवुड फिल्म इनसाइड मैन एंडिंग क्रेडिट्स, इस फिल्म के एंड में यह बैकग्राउंड में पूरा गाना बजता है, और गाने के बीच स्क्रीन पर फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आती है। बात करते हैं आज के अपने आखिरी गाने के बारे में। रानी मुखर्जी विवेक ओबराय की फिल्म साथिया, जिसका गाना छलका छलका रे काफी लोकप्रिय हुआ था। वो भी लोकप्रिय इसलिए हुआ क्योंकि उसमें रानी मुखर्जी ने किया था बेहतरीन डांस। उमा थर्मन और जेफरी डीन मॉर्गन की फिल्म द एक्सीडेंटल हस्बैंड के फिल्म के शुरुआत में इस गाने की धुन बजती है। सो गाइज, ये थे बॉलीवुड के वो गाने जिन्हें हॉलीवुड में कॉपी किया गया। अब बढ़ते हैं अपने गिव अवे की ओर। तो ये JBL डू इट मिनी हेडफोन्स आपका कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको करना है सिर्फ दो काम। चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के कमेंट में आपको जाकर के लिखना है कि इन पांचों सॉन्ग्स में से आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब करें bollywoodcalendar.com को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।